गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, काशीराज का न्याय। ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब कोई भी कथा या नाटक का एक भाग या एक अंक। इस कहानी में काशी के राजा जो हैं वो निष्पक्ष न्याय करते हैं। एक बार काशी राज्य की महारानी अपनी दासियों से बात करती हैं कि कल माघ पूर्णिमा के दिन हम नदी में स्नान करना चाहते हैं, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं स्नान करूं और स्नान करके महल में वापस ना आ जाऊं, तब तक मुझे आसपास कोई भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा सुनकर दासियों द्वारा वहाँ रहने वालों की झोपड़ियाँ एक दिन के लिए खाली करवा दी गईं और महारानी स्नान के लिए नदी तट पर चली गईं। परंतु जब वो स्नान करके बाहर आईं तो उन्हें बहुत ठंड लगने लगी और उन्होंने अपनी दासियों को लकड़ी जलाने का हुक्म दिया, परंतु वहाँ लकड़ियाँ तो थी नहीं। अब वो क्या करती उनकी दासियाँ, उन्होंने बोला यहाँ पर तो लकड़ियाँ नहीं हैं। तो जो महारानी थी उन्होंने बोला कि जितनी भी यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं उनको जला डालो। महारानी को दासियों ने मना भी किया कि ये झोपड़ियाँ तो गरीबों की हैं जो यहाँ रहते हैं और आपके कारण खाली करके गए हैं, परंतु महारानी ने एक भी बात नहीं सुनी और उनको झोपड़ियाँ जलाने का आदेश दे दिया और उन्होंने हाथ सेक कर महल वापस चली गई। परंतु जब झोपड़ी में रहने वाले लोग वहाँ वापस आए तो वो डर गए, घबरा गए कि उनकी झोपड़ियाँ कहाँ गईं। जब उन्हें पता चला कि ये महारानी द्वारा जलवा दी गई हैं तो वो तुरंत राजा के दरबार में न्याय मांगने के लिए चले गए। राजा तो न्यायप्रिय था और वो निष्पक्ष न्याय करता था। महारानी द्वारा झोपड़ियों के जलाए जाने पर उन्होंने उसे दंड दिया और जिनकी झोपड़ियां जलवाई थी उन्हें नई झोपड़ियां बनवा कर भी दी और एक साल तक सारी सुख सुविधाओं से दूर रखकर उन्हें जंगल में रहने का आदेश दिया और महारानी को एक साल तक जंगल में भटकना पड़ा सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहकर। इस प्रकार राजा ने उचित न्याय किया। अच्छा, तो ये बताओ बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? राजा ने जो रानी को सजा दी वो उचित थी या अनुचित? वो बिल्कुल उचित थी, क्योंकि अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, और न्याय तो न्याय होता है, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो अपराधी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।